जयपुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन पर मुलजिमों को बहनों से मिलने की अनुमति। जयपुर 19 अगस्त रक्षाबंधन के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए जयपुर सेंट्रल जेल प्रशासन ने जेल में बंद मुलजिमों के लिए एक विशेष व्यवस्था की है। जेल प्रशासन की ओर से कैदियों को उनकी बहनों से मिलने की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे वे इस महत्वपूर्ण त्योहार को अपने परिजनों के साथ मना सके। इस अवसर पर जेल प्रशासन ने मुलजिमों और उनकी बहनों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का इंतजाम किया। जेल परिसर में मुलाकात के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और मुलजिमों को एक सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण में अपनी बहनों से मिलने का अवसर दिया गया। जेल प्रशासन ने इस पहल को पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने और मुलजिमों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर जेल में बंद व्यक्तियों को अपने परिवार से मिलने की अनुमति देकर उन्हें समाज से जोड़े रखने की कोशिश की गई है। इस आयोजन ने न केवल कैदियों में खुशी की लहर दौड़ाई, बल्कि उनके परिजनों के लिए भी यह एक भावुक और संतोषजनक अनुभव रहा। जेल प्रशासन की इस सकारात्मक पहल की सभी ने सराहना की। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम बताइए। जयपुर से। कहाँ से आए हो? गोपालपुरम से। आज रक्षाबंधन आप राखी बांधने के लिए आए, भाई कैसा लग रहा है आपको? आए बहुत अच्छा लग रहा है। बांधी है राखी? नहीं, बांधने जा रहे। मनाया जा रहा है। हाँ, हर वर्ष की भांति जेल में बड़े हर्षोल्लास से हम राखी का त्योहार मनाते हैं, क्योंकि ये भाई बहन की अटूट प्रेम स्नेह का त्योहार है। और इस अवसर पर धर्म जाति से दूर बहुत ऊपर भाई बहन का जो पारिवारिक स्नेह है वो महत्वपूर्ण होता है। भाई जो जेल में है वो बरसों से घर से दूर होते हैं, तो और भावनात्मक जो जुड़ाव है बढ़ जाता है। उसको ध्यान उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सभी जेलों में इस त्यौहार को अमोबेश हम भव्य रूप से मनाने का प्रयास करते हैं। और इसके अंतर्गत सभी बंदियों की बहनों को हम स्पेशल मुलाकात का अवसर प्रदान करते हैं, जिसके लिए हमने विशेष इंतजाम किए हैं। हमारे डिप्टी एसपी हैं, उनको हमने इसके लिए डेप्यूट किया है कि वो सारी व्यवस्था को पर्सनली मॉनिटर करें। बाहर 10-10 के लॉट में हम महिलाओं को अंदर मुलाकात करा रहे हैं। उनकी व्यवस्था के लिए भी हमने नगर निगम से जल शौचालय पानी की व्यवस्था आदि का भरपूर प्रयास किया है और रखी हैं। इसी तरह से 1 किलो मिठाई भी बंदियों को हम जांच करके तलाशी करके अलाउ किया है। और ये मानना है कि सभी जो 4 बजे तक बहनें यहाँ कैंपस में आएंगी उन सब की हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू सर।